हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस मिल्क केक की रेसिपी, जिसको कि हम गुड़ से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए हमने आधा किलो दूध दिया है, फुल फैट क्रीम दूध है हमारा। ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम पनीर, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसको एक दो बार एक दो अच्छे से उबाले आने देते हैं। बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है, और चीनी की जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्दी भी हो गई। गुड़ हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। तो चीनी की जगह अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशियस बेनिफिट्स हमारे बढ़ जाते हैं स्वीट डिश के। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से उबालने देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इसको। ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमारा 100 ग्राम, 100 125 ग्राम के करीब हमारा गुड़ है, जिसको हमने तोड़ लिया है। इससे हमारा रंग भी अच्छा सा आ जाएगा इसके अंदर, मिल्क केक के अंदर। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर। ये देखिए, पहले से रिड्यूस हो गया थोड़ा। अब हम ये इसको इसी तरह से हिलाते डुलाते हुए पैन, ये छोड़ने लगे हमारा मिक्सचर, तब तक इसको अच्छे से भून लेते हैं। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, गुड़ वाला सर्दियों में वैसा भी फायदा करता है गुड़। ये देखिए, मिक्सचर हमारा पैन छोड़ने लगा है, कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका, और बहुत ही अच्छी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। ये देखिए, एक प्लेट के ऊपर ये मैंने बटर पेपर लगा लिया, हल्का सा ग्रीस करके, घी लगा के। इस पे हम ये हमारा ये मिल्क केक का मिक्सचर उतार लेते हैं। और इसको एक शेप दे देते हैं। इसके हम ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और हल्के हाथ से इसको दबा देते हैं। अभी तो गर्म है तो सेट हो जाएंगे ये। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, फिर बाद में इसके पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, मिल्क केक को रखे हुए हमें 2-3 घंटे हो गए हैं और वो काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा जम गया है। अब इसको हम अपने मनचाहे आकार में काट लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए जी, बढ़िया सा हमारा मिल्क केक बन के तैयार है, बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस गुड़ वाला मिल्क केक। तो आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसे लगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।